हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं श्वेता आपका अपने यूट्यूब चैनल वेलकम करती हूँ। एंड कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड आप सभी को हैप्पी होली, क्योंकि आज है छोटी होली, मतलब जिसे होली का दहन कहा जाता है, और कल है भूल वाली होली, जिसे मतलब खेलने वाली होली कहा जाता है। तो आज के वीडियो में आप लोग संग शेयर करने वाली कुछ होली हैक्स। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए चलती है टॉपिक की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए, सबसे पहला मेरा हैक होने वाला है हेयर्स के ऊपर, क्योंकि हम लोग जब सब होली खेलते हैं तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ डैमेज होती है वो होते हैं हमारे हेयर्स एंड हमारी स्किन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपने होली के रंगों से अपने हेयर्स को किस तरीके से बचा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ होली में अपने हेयर्स को रंगों से बचाने के लिए आप लोग सबसे पहले कोई भी जो ऑयल अपने बालों में आप लोग यूज़ करते हैं उसको लेकर, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। एंड अब आप लोग जो ऑयल अपने हेयर्स में लगाते हैं आप उस ऑयल को ले सकते हैं। जो भी ऑयल अपने बालों में आप लोग लगाते हैं आपको वो ऑयल लेना है, और बस उस ऑयल की आपको कुछ ड्रॉप्स लेनी है। देखिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, जो आप लगाते हैं उसकी कुछ ड्रॉप्स आपको लेनी है, और इस तरीके से आपको इस तरीके से लेकर अपनी पूरी हेयर्स में लगाना है रूट्स के साथ, ताकि आपकी जो रूट्स हैं ये बिल्कुल सूखे ना रहें और बालों को अच्छी तरीके से आप कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने लगा लिया है। अब आपको अपने बालों को अच्छी तरीके से इस तरीके से टाइप गूंथ लेना है। जैसे देखिए मैं गूंथ ही जा रही हूँ अपने बालों को, इसके आपके जो हेयर्स हैं वो तो बिल्कुल भी, मैं आपको पीछे से भी दिखा देती हूँ, आपको इस तरीके से अपने हेयर्स को गूंथ लेना है, छोटी कर लेनी है। इससे आपके जो हेयर्स होंगे ना कलर नहीं लगेगा और लुक भी बहुत अच्छा आता है। और आपको इस तरीके से एक बेड बना लेनी है छोटी, ये देखिए। और आप देखिए आपकी जो हेयर्स है उसमें बिल्कुल भी कलर्स नहीं लगेगा, क्योंकि बाल जितने बंधे होते हैं उनमें कलर उतना ही कम लगता है। एंड देखिए फेस पर ये अच्छी भी लगती है, और आई होप कि आप लोग पसंद आ रही होगी। तो चलते हैं सेकेंड हैक की तरफ। तो मेरा सेकेंड हैक होने वाला है हमारा कलर है, कि हमारे जब स्किन पर कलर लगता है तो हमको ईजी तरीके से किस तरीके से उस कलर को छुड़ा सकते हैं। तो उसके लिए चाहिए हमें ऑयल, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, मैं जुनसन बेबी ऑयल ले रही हूँ। एंड एक चाहिए हमको वेस्ट क्लॉथ्स, कोई भी वेस्ट कपड़ा, क्योंकि अगर हम अच्छा कपड़ा लेंगे तो मम्मा हमको बहुत डांटेगी। तो आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, वेस्ट कपड़ा या कोई हैंकी, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, एंड आप लोग देख सकते हैं कि ये देखिए अभी हमारे स्किन पर जिस तरीके से रंग लगा है होली खेलने के बाद, इस तरीके से हमारे स्किन पर रंग लग जाता है। तो उसे हमें किस तरीके से छुड़ाना है, क्योंकि ज़्यादा देर जब रंग लग रहा है तो रैशेज हो जाते हैं स्किन पर। तो उसके लिए चाहिए हमें कोई भी वेस्ट क्लॉथ लेना है, क्योंकि जो कपड़े से रंग छुड़ाएंगे वो ख़राब हो जाएगा। और उस पर कुछ ड्रॉप्स ऑयल की लेनी है, कोई भी स्मूथ ऑयल लीजिएगा जो आप स्किन को हार्म ना करें, और उसे इस तरीके से छुड़ा दीजिएगा। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ये देखिए बहुत ही आसानी से छूट जाता है। एकदम पानी से आप इसे बिल्कुल मत धोइएगा, क्योंकि आप एकदम पानी का अगर यूज़ करेंगे इसे छुड़ाने में तो पानी भी वेस्ट होगा और ये साफ़ भी नहीं होगा। तो पहले इसे सूखे कपड़े से अच्छी तरीके से ऑयल लगा के साफ़ कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसे छुड़ाइएगा। ये देखिए मैंने आपको छुड़ा कर दिखाया, ये देखिए मेरा हाथ बिल्कुल क्लीन हो चुका है। ये देखिए जैसे ये वाला है बिल्कुल वैसे ही। अब इसे आप पानी से वॉश कर सकते हैं, तो आपका हाथ बिल्कुल कलर जो है आपका बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये था मेरा सेकंड हैक, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, लेकिन मैंने जॉनसन बेबी ऑयल लिया है, क्योंकि ये बहुत स्मूथ होता है, बच्चों की स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं करता और हम लोगों की स्किन को भी हार्म नहीं करेगा। आप चाहें तो पैरासूट ऑयल भी ले सकते हैं, जो कोकोनट ऑयल आता है पैरासूट का, आप उसका भी यूज़ भी कर सकते हैं। एंड चलिए चलते हैं थर्ड हैक की तरफ। तो मेरा थर्ड हैक होने वाला है एक जो होली पर हम जो कलर लगाते हैं उसको छुड़ाने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम होली तो खेल लेते हैं, लेकिन उस होली पर उस रंग को छुड़ाने के लिए हम लोग को मम्मी की याद आ जाती है कि ये रंग कैसे छूटेगा।
तो चलिए मैं झटपट आपको एक उपटन बना के दिखाती हूँ। इसको उपटन में बनाने के बाद आपको बिल्कुल भी, पहले मैं अपने हाथ क्लीन कर लेती हूँ फटाफट से। ये देखिए मेरे हाथ क्लीन हो चुके हैं, अब मैं आपको उपटन बना के दिखाती हूँ। तो चलिए उस उपटन बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन, आधा नींबू, थोड़ी सी हल्दी एंड कच्चा मिल्क। कच्चा वह मिल्क चाहिए, मतलब कच्चा दूध जिसे बोलते हैं, वो चाहिए इसके लिए। तो सबसे पहले हम लेंगे बेसन, उस बेसन में हम डालेंगे हल्दी। देखिए मैंने इसमें हल्दी ऐड कर ली है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्रॉप्स नींबू के रस की, ये देखिए, और डालेंगे कच्चा दूध। इसको घोल हमें जो कच्चे दूध से बनाना है, ये देखिए। और आप जो ऑयल यूज़ करना पसंद करते हैं आप वो ऑयल इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें इसी ऑयल को यूज़ करूँगी, 1 टेबल स्पून, ये देखिए। ये पैक तैयार करना है हमको। मम्मी गिर रहा है, गिर रहा है। सुंदर स्मार्ट। ये देखिए ये एक थिक पैक तैयार हो चुका है। अब इसी की बस इसी की हेल्प से हमको अपना रंग साफ करना है। और हमारा जो है, मैं आपको कलर साफ करके दिखा भी देती हूँ। आप लोग कहेंगे मैंने आपको बताया दिया लेकिन आपको ट्राई करके नहीं दिखाया, तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। हमको इस तरीके से अपने फेस पर, अपनी जहाँ जहाँ पर कलर लगा है इस तरीके से आप लोगों को लगाना है। और लगाने के बाद 5 मिनट इसे छोड़ देना है सूखने के लिए। ऑफ कोर्स हो गया। एंड देखिए अब ये सूख चुका है। अब इसे हमें अच्छी तरीके से इस तरीके से रगड़ लेना है, रगड़ कर इसको साफ कर देना है। ये देखिए ये इस तरीके से कुछ निकलेगा आपके हाथों में से, ये देखिए निकल रहा है। आपको कम लगे तो कुछ ड्रॉप्स आप ऑयल की ले सकते हैं, जैसे मैं आपको लेकर दिखा रही हूँ थोड़ा सा लिटरली, ये देखिए। और इस तरीके से आपको ऑब्जॉर्व करते हुए छुड़ाना है, ये देखिए मैं छुड़ा के दिखाती हूँ। और उसके बाद हमको आपको एक ड्राई क्लॉथ से साफ कर लेना है कि कुछ इस तरीके से छूटेगा। ये देखिए आप नीचे देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से कलर निकल रहा है। ये देखिए इसी तरीके से कुछ कलर आप लोगों के उससे भी निकलेगा। ये देखिए एंड आई होप कि आप देख पा रहे होंगे। एंड आप लोग भी अगर इसको यूज़ करेंगे तो आप मेरा ट्रस्ट कीजिए, बिल्कुल आपका कलर जो है बिल्कुल आपका साफ़ हो जाएगा। ये देखिए मेरा हाथ बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब एक ड्राई क्लॉथ से इसको साफ कर लेंगे। एंड आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों हाथों का कलर सेम है। एंड आई होप कि आप लोगों को मेरे तीनों जो मैंने हैक बताया वो आप लोगों को पसंद आएंगे। एंड मैं आप लोगों से फिर भी कहना चाहूँगी, सेफ होली के लिए कोशिश कीजिए पानी एंड कलर का यूज़ कम करें, सिर्फ ड्राई होली ही खेलें और वो भी नेचुरल एंड हर्बल कलर से ही खेलें। कोई भी डार्क कलर का या कोई भी ऐसा कलर यूज़ ना करें जो हमारी स्किन को हार्म करे। और प्लीज़ मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगी। तो आई होप कि आप लोगों को मेरे वीडियोज़ पसंद आएंगे एंड मेरी होली हैक अच्छे लगेंगे। एंड मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। थैंक यू, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा एंड ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। थैंक यू।